नमस्कार दोस्तों, सीखो सिखा चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं तुलसी महतो और आज मेरा जो वीडियो है वो आई कार्ड पे है, स्कूल आई कार्ड जो होती है उस पे है। तो अगर आपके पास ढेर सारा अगर आई कार्ड एक ही साथ बनाना आ जाता है, मान के चलिए कोई स्कूल है और उस स्कूल में 500 स्टूडेंट्स है और आपके पास उसका आई कार्ड बनने के लिए आ जाता है, तब एक एक करके लिखना, टाइप करना, फोटो एडजस्ट करना काफी बड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी प्रोसेस से बताने वाला हूं, ठीक है? तो अगर आपको जानना है और अगर आपको सीखना है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है, ओके? तो चलिए आज के वीडियो भी। सबसे पहले आपको वो जो स्कूल है, वो जो कॉलेज है, जो भी है या इंस्टीट्यूट है, जो भी है, आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेनी है, ठीक है? मान के चलिए ये स्कूल का नाम है और यहाँ पे स्कूल का एड्रेस हो गया। अब आता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की यहाँ पे फोटो आएगी, यहाँ पे उसका नाम, उसका रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और यहाँ पे एड्रेस, और कोई चीज हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने समय बचाने के लिए बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है? एक तो हमारा ये आई कार्ड हो गया। अब दूसरा जो चीज हमें चाहिए वो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फोटो, ठीक है? और उन फोटोज पे ये देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ ना, उनका रोल नंबर होना चाहिए या फिर उनका कोड जो भी हो, ठीक है, वो कोड उस पे लिखा होना चाहिए। वो किस लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए कोई भी स्कूल में एक नाम से दो चार स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ही रोल नंबर के, एक ही कोड के दो चार बच्चे तो हो ही नहीं सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी फोटो आप क्लिक करते हैं उसका नाम जो है रोल नंबर ही डालना है। जैसे कि मान के चलिए इसका नाम मुकेश है और इसका रोल नंबर 14 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 14 लिख दिया, ठीक है? उसके बाद आपको एक इस तरह से डाटा तैयार करना होगा। देखिए नेम, फादर नेम, रोल, जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना उसी तरह से, ठीक है? ये मैंने तैयार किया हुआ है एक्सेल से। चलिए हम, मैं एक्सेल ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको इस पे करना है। मैं एक्सेल 2013 यूज कर रहा हूं, आपके अगर पुराने वर्जन हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं जितने भी नाम लिखा हो ना उसे हटा देता हूं, ठीक है? अब देखिए मेरा जो कार्ड था यहां पर इस तरह से रख देता हूं। यहाँ पे नेम यानी कि यहाँ पे उसका नाम आएगा, फादर नेम यहाँ पे देखिए मैंने फादर लिखा हुआ है, रोल तो यहाँ पे रोल नंबर, मोबाइल यानी कि मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस हमारा नीचे है, ठीक है? उसके बाद फोटो आ जाता है तो फोटो हम लोग यहाँ पे ऐड करें। चलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। अब जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप नेम लिख लीजिए इस तरह से, जितने भी हैं आपके, मैं यहाँ पे 3 ही ले रहा हूँ कि समय भी हमें बचाना है, नहीं तो अगर मैं 100 लेके आपको एग्जांपल देके बताने लगू ना तो वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप लोग देखते देखते बोर हो जाइएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने समय बचाने के लिए ऐसी भी वीडियो काफी बड़ी बनती जा रही है। खैर मैं बहुत बोलता हूँ, है ना? खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फादर, रोल नंबर और यहाँ पे आ जाता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अब आता है यहाँ पे फोटो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटो का नाम जो भी स्टूडेंट है उस फोटो का नाम हमें क्या डालना है, उस फोटो का नाम हमें उसका रोल नंबर डालना है, ठीक है? तो यहां पे हमें जो डालना है वो रोल नंबर डालना है और अब इसका जो टाइटल हो गया, ठीक है, इस फोटो का जो भी टाइटल हो गया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके यहां पर दिखा देता हूं। जैसे कि इसका नाम है राहुल, ठीक है? अब ये फोटो हमें यहां पे दिखानी है, ठीक है? यहां पे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है राहुल डॉट jpg, ये आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो फोटो 100 नहीं होगा। मैं जो आपको बता रहा हूं बस आपको उतना ही फॉलो करना है। देखिए रोल नंबर और फोटो दोनों एक ही है, बस कॉपी यहां से कर लीजिए, यहाँ पे मान के चलिए इस तरह से आप आ गए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और आपको JPG लिखना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है,
ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी आपको नाम फोटो पे नहीं लिखना है, उसका जो रोल नंबर है वो आपको लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग एक्सेल सीट पे, यहाँ पे फोटो है ठीक है, तो वही रोल नंबर आपको सेम सेट करना है, आपको सेम ही चीज लिखना है। बस इसमें क्या करना है, जो रोल नंबर है उसके बाद डॉट जेपीजी करके आपको लिख देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद सेव एज पे आना है, और जहां कहीं भी आपने सेव करके रखी हो आप वहां पे सीधे चले जाइए। देखिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब जो भी फाइल नाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने इससे पहले टेस्ट के लिए मैंने बनाया हुआ था, लेकिन इस बार मैं आपको लिख रहा हूं सीखो सिखा, ठीक है। फिर मैं सेव एज टाइप यहां पे आऊंगा, यहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको जाना है यहां पे आप देखिए, यहां पे ये देखिए, यहां पे भी टेक्स्ट है, यहां पे भी टेक्स्ट है, और एक यहां पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट टेप डेलिमिटेड, आपको इस पे क्लिक कर देना है, सेव कर देना है और यस कर देना है। चलिए ये हो गया। अब हमारे पास कुछ इस तरह से फाइल आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास फाइल आ गई। अब हम फोटोशॉप पे जाएंगे, अभी फोटोशॉप पे काम बाकी है, उतने सारे चीज तो हमने कर ली। फिर से हमें उस पेज को ओपन करना है जो हमने अभी टेक्स्ट के रूप में सेव की ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ऊपर की जो लाइन है इसे आप कॉपी कर लीजिए, हमने कॉपी कर लिया। फोटोशॉप पे आते हैं, यहाँ पे टी प्रेस करते हैं, टी यानी कि ये जो टाइप टूल है इसे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइज में थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं। मेरा यहाँ पे हिंदी आ रहा है, आप इंग्लिश होना चाहिए। चलिए ये हो गया, ठीक है। आपको नेम को इस तरह से कट कर लेना है, कट करने के बाद आप यहां पे पेस्ट कर दीजिए, जैसा ही लिखा है उसी तरह से आपको कर देना है। मैं यहां पे कट कॉपी इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि जिस तरह लिखा है वहां पे उसी तरह से आपको लिखना है, यहाँ पे आपको चेंजिंग नहीं करना है। अब हो सकता है स्पेलिंग चेंज कर दें, जैसे कि मान के चलिए वहां पे मोबाइल का शॉर्ट लिखा हुआ, यहाँ पे आप पूरा लिख दिए, तो जो भी डाटा है वो हमारा यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। चलिए कंट्रोल प्लस आर करते हैं ये रोलर लाने के लिए, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक किया जाता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारी टेक्स्ट जो है वो सीधी रहेगी, इधर उधर भागेगी नहीं, ठीक है। फोटो को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, सॉरी फोटो को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे ले आता हूँ, रोल नंबर हमारा यहाँ पे चला जाएगा, है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस फोटो को डिलीट कर दीजिए। इस फोटो की हमें आवश्यकता नहीं है, मैं इस लेयर को फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने जो फोटो लिखा हुआ था उसे डिलीट कर दिया, आपको यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक कर देना है, एक नई लेयर हमारे पास आ जाएगी। ये जो लेयर लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाएगा, आपको लिखना वहां पे फोटो। हो गया इतना काम। इसी लेयर पे रहते हुए आपको आना है यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल, और यहाँ पे जितनी बड़ी आपको फोटो दिखानी हो उतना बड़ा आप सेट इस तरह से सिलेक्शन बना लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देखिए रेड और व्हाइट है, ठीक है, तो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप सबसे पहले कलर सेट कर लीजिए, तो डी प्रेस कर देते हैं, जैसे डी प्रेस करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डिलीट कर देना है, ठीक है, ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी कर दीजिए, ये सिलेक्शन हट जाएगी। इतना हमने काम कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है इमेज पे आइए, यहां पे देखिए वेरिएबल्स है और यहां पे डिफाइन, ठीक है, यहां पे ऊपर पे ये लेयर जो दिखा हुआ है
ये हमारा यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, मतलब यहाँ पे जितने टेक्स्ट लिखे हुए वही यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमने जो एक्सेल सीट बनाई ना यहाँ पे टेक्स्ट रूप में, तो वो क्या करेगा कि नेम के जगह हम लोग जैसे कि नेम है किन्हीं का, पूजा उमेश, वो लिखेगा। फादर के जगह क्या लिखेगा, संतोष लिखेगा। लेकिन हमें यही लिखना है, अगर आप मैं जो आपको बता रहा हूँ सेम ही चीज आप कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा है वही आपको यहाँ पे सेम उतार देना है, अगर आप कुछ चेंज नहीं किए हो तो, ठीक है। फिर ऐसे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है वही चीज आपको लिखना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं लिखना है। और एक दो बार आप देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी ये जो है आसान लगने लगेगा। और यहाँ पे एड्रेस, फोटो, फोटो हम लोग फिट ही रहने देते हैं। अच्छा चलिए, सारा चीज हो गया, अब आप ओके कर दीजिए। देखिए ओके करते हैं, कुछ नहीं हुआ, घबराइए नहीं, ठीक है। ये जो लाइनिंग है, ये जो रूलर है, इसे हटाने के लिए कंट्रोल प्लस एच करेंगे, वो हाइड हो जाएगी। फिर हमें आना है इमेज पे, वेरिएबल्स और डाटा सेट्स, ठीक है। ये क्या है आप देख लीजिए, उसी में आपको जाना, अगर आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ ही जाएगा, आप चाहे तो फिर से उसी पे चले जाइए, डिफाइन पे कोई बात नहीं। यहां से एक ऑप्शन है डाटा सेट्स, अब यहां पे इंपोर्ट का ऑप्शन है सिलेक्ट, और आपने वो जो फाइल जहां कहीं भी सेव की हो, जो हमने अभी एक्सेल सीट बनाई ना, एक्सेल से उससे हमने टेक्स्ट बनाया, उसी टेक्स्ट को आपको सर्च करना है। जैसा मैंने शुरू पे बताया आपको, तो वहां पे मैंने जो नाम लिखा हुआ था सीखो सिखाओ लिखा हुआ था, तो यहां पे देखिए सिलेक्ट करते हैं, लोड करते हैं और ओके कर प्रीव्यू। ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू पे टिक नहीं लगा हुआ था, चेक नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण नहीं आ रहा था, तो ये टिक होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं उसी तरह रोल नंबर उमेश आ गया है, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, ये देखिए है ना। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये तो बन गया, अब मान के चलिए आपने 100 पीस बना ली, अब सबको तो सेव भी करना है ना, जैसे ओके करिए तो सब हट गया, अब मैं सेव क्या करूं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप चलिए आइए फाइल पे, फाइल पे आइए, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे देखिए यहाँ पे डाटा सेट्स एज फाइल का ऑप्शन है। इसे लेने के बाद आपको यहाँ से एक फोल्डर सेलेक्ट करना होगा, आपने जो भी जहाँ कहीं भी फोल्डर बनाया हो आप फोल्डर बना लीजिए, मैं डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे बनाने के बाद में जो इसका नाम दे रहा हूँ सीखो सिखाओ और ओके कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहां पे देख लीजिए फाइल एक्सटेंशन जो दिया हुआ है वो PSD दिया हुआ है, ये देखिए। यहां पे आपको थोड़ा सा समय लग सकता है अगर आप अधिक फाइलें बना रहे हैं, तो मेरा 3 था तो पलक झपकते बन गया, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं, यहां से हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, इसे अभी हटा लेते हैं। यहां पे देखिए हमारा फोल्डर जो है यहां पे नजर आ रहा है, इसका नाम है सीखो सिखाओ, तो पहला आई कार्ड, दूसरा, तीसरा, ऐसे तो दिखेगा नहीं। मैं क्या करता हूं यहां से इसे हटा देता हूं, वन ओपन करते हैं, ये देखिए, टू ओपन करते हैं, ये देखिए, और यहां से 3 भी ओपन कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा तीनों का तीनों इस तरह से बन के तैयार है। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।